हम लोग किले के अंदर आए हैं, इस किले को चढ़ने के लिए हम लोगों ने 7 गेट पार किए। मेरी बोली समझ में आई ना आप लोगों को? बोली समझ में आएगी जब मजा आएगा, नहीं तो मैं बेकार है। चित्तौड़ किले के ऊपर आने के लिए हम लोगों ने 7 गेट 7 दरवाजे पार करके हम फोर्ट के अंदर आए थे। आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा, 7 ही दरवाजे जो थे वो देवी देवताओं के नाम से रखे गए। इस किले पर 55 राजाओं ने राज किया और 55 राजा सूर्यवंशी राजा थे। तो जो भी चीज बना उसका मुंह सूर्य भगवान की तरफ रखा। हम लोग जो इधर से आए वो बैक साइड है चित्तौड़ किले का, मैन साइड इसके बाद में आपको ले चलेंगे हम लोग। 7 दरवाजे हम लोगों ने चढ़े, जो 7 ही दरवाजे, पहला दरवाजा जो पार किया था उसका नाम था पाटल पोल, सेकंड दरवाजा पार किया उसका नाम भैरव पोल, उसके बाद जो दरवाजा पार किया उसका नाम हनुमान पोल, उसके बाद जो दरवाजा पार किया उसका नाम गणेश पोल, उसके बाद जो दरवाजा पार किया उसका नाम जोल्ला पोल, उसके बाद जो दरवाजा पार किया उसका नाम लक्ष्मण पोल, और लास्ट में जाके एक दरवाजा आया था जिसका नाम था राम पोल। 7 गेट पार करने के बाद एक गांव देखा था आप लोगों ने, उसी गांव का नाम है रामपोल गांव। फोर्ट के अंदर में हम लोग आए पूरे फोर्ट को देखने के लिए। कभी आपको बारीकी से दिखाता हूँ इस फोर्ट को, तो मुझे 3 दिन चाहिए आपको लोगों को दिखाने के लिए। इस फोर्ट के अंदर 113 मंदिर है, 84 पानी के टैंक है और 16 से 17 महल है, सारे खंडर हो चुके हैं। मैं आपको 113 मंदिर नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं 10 से 12 जगह आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, मैं 2 मंदिर दिखाऊंगा आप लोगों को। एक मंदिर बड़ा वाला ये देख रहे हैं आप लोग, एक इसी के पास में देखेंगे छोटा मंदिर मीराबाई का। मीराबाई का नाम सुना होगा आप लोगों ने, पढ़ा होगा आप लोगों ने किताबों के अंदर। मीराबाई राजस्थान की रहने वाली थी, मतलब राजस्थान के 2 भाग है, एक मारवाड़ एक मेवाड़। मीराबाई जहाँ की रहने वाली थी, जोधपुर के पास कुड़की नामक गांव की। मीराबाई 7 साल की उम्र से कृष्ण की भक्ति करा करती थी, कृष्ण की पूजा किया करती थी, कृष्ण को अपना भगवान और कृष्ण को अपना पति मानती थी। मैं कहते ना बेटी पराई होती है, तो मीराबाई की शादी हो जाती है चित्तौड़ के राणा राणा सांगा के लड़के, बड़े लड़के होते हैं जिनका नाम होता है राणा भोजराज जी। तो वो शादी करके लाते हैं, तो यहाँ के जो राजपूत होते हैं वो सूर्यवंशी राजे होते हैं, सूर्य भगवान को मानने वाले, सूर्य भगवान की पूजा पाठ करने वाले। मीराबाई कृष्ण को भगवान मानती थी, कृष्ण को अपना पति मानती थी। मीराबाई को यहाँ शादी करके लाए तो मीराबाई के पति राणा भोजराज जी ने कभी मीरा को नहीं कहा कि आप कृष्ण की पूजा छोड़ के सूर्य भगवान की पूजा करें। मीरा के पति को कभी इतराज नहीं था, मगर कुछ समय के बाद मीरा के पति राणा भोजराज जी की मृत्यु हो जाती, तो इसी राजगद्दी पे राजपूत परंपरा के हिसाब से ये होता है कि उनका छोटा देवर विराजमान होता है जिसका नाम होता है आदित्य विक्रम। वो जा भी राजपूतों में जाते हैं, सारे राजपूत कलंक कराते कि आपके ससुर वंशी राजाओं के, आपकी भाभी मीरा जो साधु महात्माओं के साथ बैठ के नाच गाना करती है, भजन मंडली करती है, ये इनको शोभा नहीं देता है। अगर इनको पूजा पाठ करनी है तो सूर्य भगवान की कह रहे हैं हम सूर्य वंशी राजा है। यही बात मीरा का देवर मीरा को आपके समझा था, मगर मीरा नहीं मानती। मीरा कहते हैं मेरा तो गिरधर गोपाल दुर्जाना कोई। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा किताबों के अंदर मीरा को जेर दिया था, सुना है आप लोगों ने, पढ़ा है ना, वही चित्तौड़ का ही वाकया है। मीरा का देवर मीरा को कहता है भाभी सुनिए, आपकी भक्ति में और आपके भगवान में इतना शक्ति तो जहर का प्याला मीरा के सामने भर के रखता है। आपके भगवान में इतनी शक्ति, आपकी भक्ति में इतनी शक्ति तो जहर पी के बैठेगी। तो मीरा क्या करती है, उस जहर के प्याले को अपने हाथों से उठाती है, पहले अपने कृष्ण भगवान को भोग लगाती है, फिर उस जहर को खुद पीती है, तो वो अमृत बन जाता है। जब मीरा जहर से नहीं मरती तो मीरा का देवर सोचता है शायद मैंने साबूदाने की खिचड़ी के अंदर थोड़ी जहर की मात्रा थोड़ी कम डाली थी, इस मारे मीरा को जहर का असर नहीं हुआ। दूसरी प्लानिंग करते हैं मीरा को मारने के लिए, क्या करते हैं, फूलों की टोकरी में एक काला सांप रख के पहुंचाते हैं। ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, फूलों की टोकरी में एक काला सांप रख के पहुंचाते हैं कि मीरा भाई अपने भगवान कृष्ण को फूल मारा अर्पण करेगी, सांप डस लेगा और मीरा मर जाएगी। मगर किसी कवि ने कहा ना कि जाको राके साइया मार सके ना कोई और बाल ना बाका कर सके जो जग बेरी हुई। जिस फूलों की टोकरी में सांप होता है, देसी मीराबाई टोकरी को खुलती है, वो मीराबाई के गले का हार बन जाता है। मीराबाई समझ जाती है कि मेरा देवर मुझे मारना चाहता है, खत्म करना चाहता है। तो मीरा क्या करती है, वो 7 साल की उम्र से जो कृष्ण की मूर्ति अपने साथ लाई थी वही मूर्ति लेके मीराबाई चित्तौड़ किला छोड़ देती है, ताक देती है, चारों धाम की यात्रा पे निकल जाती है। किसी गाइड बुक में किसी इतिहास के अंदर नहीं लिखा है कि मीरा की बॉडी को कहीं जलाया कहीं दफनाया, इतिहास के अंदर ये लिखा है मीरा जो कृष्ण की मूर्ति लाई थी वही मूर्ति फटी और मीराबाई उसमें समा गई। जो छोटा मंदिर आप देखेंगे ना पीछे, वो मीराबाई का मंदिर है। इसी के सामने बड़ा मंदिर देखते हैं, दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, मूवी आया था पद्मावत, सुना होगा ना उसका, बहुत फेमस नाम था उस पिक्चर का। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की रानी पद्मनी को देखने के लिए मेवाड़ के अंदर आता। उस जमाने के अंदर ना तो कोई जातिवाद का कोई लड़ाई था, उस जमाने में अपना क्षेत्रफल बनाने की लड़ी थी, जर जोरू और जमीन जायदाद इसका लड़ी था, और वही आज भी चल रहा है। हम लोग आज भी पैसे के लिए भाग रहे हैं, जमीन के लिए भाग रहे हैं, घर गृहस्थी के लिए भाग रहे हैं, यही लड़ाई उस जमाने में भी थी। तो दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की रानी पद्मनी को देखने के लिए मेवाड़ में आया था। आने की वजह क्या थी बताते हैं, यहाँ की रानी इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत थी, पानी पीती थी तो उसके गले से नीचे उतरता हुआ नजर आता था। इसी सुंदरता को देखने के लिए दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की रानी को देखने के लिए यहाँ पर आता है, चारों तरफ से इस किले को बंदी बनाता है। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह के नाम पे एक लेटर लिखता है,
जो रानी पद्मिनी के पति होते हैं वो कहते हैं कि मैं दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी हूँ, मैं आपकी रानी की सुंदरता को देखने के लिए आया हूँ। एक लेटर में लिखता है मैं आपकी रानी को देखना चाहता हूँ। तो दिल्ली के सुल्तान को चित्तौड़ के राणा रतन सिंह वापस लेटर द्वारा जवाब देते हैं। आप लोग राजस्थान घूम रहे ना, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, आप लोग जाएंगे, हमारी लेडीज आज भी घूंघट में रहती है, पर्दे में रहती है, इतना बड़ा पर्दा होता है भाई लेडीजों के बीच में। तो दिल्ली के सुल्तान को हमारे राणा रतन सिंह लेटर लिखते हैं कि मैं सूर्यवंशी राजा हूं, हमारी बहू बेटी घूंघट में रहती है, पर्दे में रहती है, हम प्राय मर्द के सामने हमारी लेडीज का चेहरा नहीं दिखाते। तो दिल्ली का सुल्तान कहता है अगर आपकी रानी का चेहरा मुझे नहीं दिखाओगे तो मुझसे युद्ध करें। काफी समय तक युद्ध चलता है, लड़ते लड़ते सारे राजपूत वीर गद्दी को प्राप्त हो जाते हैं। यही खबर जब चित्तौड़ किले के अंदर आते कि आपके पति राणा रतन सिंह लड़ते लड़ते वीर गद्दी को प्राप्त हुए, तो रानी पद्मिनी अपनी शान, अपनी मान, अपनी मर्यादा को कायम रखते हुए 16,000 रानियों के साथ आग के अंदर कूद के जान देती है, जिसे मेवाड़ के अंदर कहते हैं जौहर और सती। दोनों के मतलब अलग अलग है, दोनों मतलब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। रानी पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ आग के अंदर कूद के अपनी जान दे दी। दिल्ली के सुल्तान ने सोचा मैंने काफी समय चित्तौड़ किले के अंदर बिताया, हजारों की तादाद में मेरी मुगल सेना खत्म हो गई, मुझे भी कुछ हासिल नहीं हुआ, तो मैं भी इस किले को सही सलामत छोड़ के नहीं जाऊंगा। इस किले पे अटैक करता है, अटैक के अंदर सारे मंदिर, सारे महलों को खंडित कर देता है। सामने जो मंदिर देखते हैं इसको भी खंडित कर दिया गया। 1303 के पहले, दिल्ली के सुल्तान के आने से पहले यह वरा का मंदिर था, इसको तोड़ दिया गया। फिर 1433 के अंदर राणा कुंभ आए, राणा कुंभ ने नया निर्माण दिया, अपने ही नाम से इस मंदिर का नामकरण किया, नाम रखा कुंभ श्याम मंदिर। अंदर मूर्त बिठाई गई राधा किशन बलराम की, दो विशाल मंदिरों को मिला के एक मंदिर का निर्माण किया। आप लोग बोलेंगे दो विशाल मंदिर कौन से, आप लोग गुजरात से ना, आप लोग कभी सोमनाथ गए होंगे, आगे से इसका लुक देखेंगे सोमनाथ स्टाइल नजर आएगा, पीछे से देखेंगे हम लोग जगन्नाथपुरी उड़ीसा स्टाइल, उड़ीसा स्टाइल में मंदिर नजर आएगा। दोनों मंदिर के दर्शन करेंगे, 10 से 15 मिनट लगेंगे आप लोगों को दर्शन करने के लिए। दर्शन करने का रिक्शा में बैठेंगे, नेक्स्ट पॉइंट के लिए रानी पद्मिनी का जोर स्थल चलेंगे, जूते चप्पल मंदिरों के सीढ़ियों के बाहर खोलेंगे और अंदर जाके जैसे हम लोग फोटो खींचते ना आप लोगों से, फिर हाथ जोड़ के बिनती मेरे रिक्वेस्ट है खास तौर पे, जैसे हम लोग पीछे भगवान की मूर्ति पीछे रहती है हम लोग सेल्फी खींचते, वो लोग आप लोग नहीं करेंगे। अंदर दोनों मंदिर के दर्शन करेंगे, 10 से 15 मिनट दर्शन करने का रिक्शा बैठेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट के लिए आगे चलेंगे। मीराबाई के मंदिर के सामने एक छतरी देखेंगे, आपको गोल छतरी देखने को मिलेगी, वो मीराबाई की गुरुजी की छतरी थी। रविदास जी के नाम सुना होगा, राज से रहकर थे, जूते चप्पल काटने का काम किया करते थे। उनकी एक कविता थी, मन चंगा कटोटी में गंगा, मन में खतरा झोली में पतरा, यानी कि अपना मन चंगा होगा तो सब दुनिया अपने लिए बढ़िया है। तो आप लोग दर्शन करेंगे, 10 से 15 मिनट लगेंगे, मगर उसके पहले एक ग्रुप फोटो के लिए बताया सर ने, अरे वो ना भैया एक सर ग्रुप फोटो बनता है स्कूल के लिए, एक आपके लिए बनता है, एक मेरे लिए बनता है, जैसे भैया के कहने आते हैं ना तो वो मुझे इस तरीके से गाइड के लिए यूज करते हैं, तो ये मेरा ऑफिस में लगाता हूँ, ऑटो का भी काम है, ऑफिस का भी काम है, गाइड का भी काम है मेरा, तो आप लोगों के आशीर्वाद से ऐसा काम मिलता है मेरे को, तो एक ग्रुप फोटो हम लोगों का यहाँ बनेगा जिसमें चित्तौड़ पूरा फोर्ट आएगा। ठीक है, लेना नहीं है आप लोग, कंपल्सरी नहीं है कि आपको लेना पड़ेगा। बोना भैया फोटो बताओ सर, जैसा मैंने आपको बताया था रानी पद्मिनी ने जोर किया था, ठीक है ना, तो आप लोगों के दिल में इच्छा हो रही है रानी पद्मिनी का जोर स्थल का है, यहीं पर मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, मगर यहाँ पर आपको चार दर्शन करा रहा हूँ मैं। पहला दर्शन करते हैं, आप लोग सामने जो टावर देखते हैं, दिख रहा है आप लोगों को टावर, इसे कहते हैं विजय स्तंभ टावर, इसका हिंदी नेम विजय स्तंभ, इंग्लिश नाम बिट्टी टावर नाम है इसका। मालवा और गुजरात को जीत के आने के खुशी में बनाया गया, कहीं से राज परिवार कहीं विजय प्राप्त करके आता था तो इसकी खुशी के अंदर कुछ ना कुछ चीज वाजे लेके आते थे। हमारे राजा बहादुर शाह जफर और महमूद खिलजी को हरा के जब चित्तौड़ आते हैं तो राजपूत सब समाज खुश हो जाती है कि दो स्टेट मालवा और गुजरात को जीत के आए, उसके खुशी में ऐसा कुछ बनाया जिसे ताउम्र लोग याद रखे, तो क्या बनाया जाए, ये विजय स्तंभ का निर्माण किया, विजय की याद में बनाया गया। उस जमाने के अंदर 90 लाख के खर्चे में इसको बनाया गया, कितने लाख, गांधी छाप नोट जो हम लोग चलाते ना वो नहीं चलते थे उस जमाने के अंदर, उस जमाने में सोने चांदी के सिक्के और अस्त्र भी चला करती थी। 90 लाख के खर्चे में बनाया गया, 9 मंजिल का इसको बनाया, 9 मंजिल का बनाने का कारण क्या था, हिंदू समाज के अंदर 9 गृह की मान्यता है, इसी बारे में इसको 9 मंजिल का बनाया गया। इसके ऊपर चढ़ने उतरने के लिए 157 स्टेप, गोल घूम के चढ़ना होता था, गोल घूम के नीचे उतरना होता था, इसकी ऊंचाई 122 फीट, छोटा सा दरवाजा है, घूम के अंदर चढ़ना था, घूम के वापस नीचे उतरना था, मगर कोरोना के बाद गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। मगर हम लोग इसको ध्यान लगा के देखेंगे ना, ध्यान से देखेंगे, ऐसे तो विजय स्तंभ दिख रहा है आप लोगों को, मगर हम लोग ध्यान लगा के देखेंगे ना तो इसमें एक आकार और नजर आएगा आप लोगों को, शंकर भगवान के डमरू के आकार में, नीचे से चौड़ा, ऊपर से पतला, फिर ऊपर जाके चौड़ा, नेरो बॉटम नेरो, नाम रखा गया विजय स्तंभ। मालवा और गुजरात को जीत के आने के खुशी में राणा कुंभार ने निर्माण कराया, 90 लाख के खर्चे में बना, 10 साल बनने के लिए लगे। इसी के सामने जो आप गार्डन देखते हैं, याला गार्डन जो देख रहे ना, यहां से लेके यहां तक जहां तक हम लोग खड़े हैं, यहां से लेके वहां तक ये एक ही जमीन है, इसे कहते हैं आप लोग खड़े हैं ना
ये शमशान भूमि है। कौन सा भूमि है? शमशान भूमि। उस तरफ उस साइड देखते ना आप लोग, वो लेडीज का शमशान था। यहाँ पर देखते हम जहाँ खड़े, ये जैन का शमशान है। हिंदू समाज में परंपरा होती थी, 5 साल जो छोटा बच्चा होता था ना उसको दफनाया जाता था। तो सामने वो दरवाजा देखते ना, वाला दरवाजा, उस दरवाजे के पास जो गार्डन दिखता है वो बच्चों का शमशान है। छोटे बच्चों को दफनाया करते थे। तो जहाँ पर आप लोग खड़े हैं वहां पर वो सामने पीपल का पेड़ देखते हैं, यही रानी पद्मिनी का जौहर स्थल है। अब जौहर के बारे में समझ लीजिए आप लोग, जौहर और सती दोनों के मतलब अलग अलग है। सती का मतलब ये होता था राजपूत मर जाता था तो उसकी लेडीज को अपने ही पति की लाश को लेकर जिंदा चितम में बैठना पड़ता था, उसे कहते थे सती होना। जौहर का मतलब क्या होता था? जौहर का मतलब ये होता था राजपूत ऑरेंज कलर का सापा केसिया कलर की पगड़ी वो अपने सर पर सजाता था, तो चित्तौड़ की बहन बेटी माँ रानी है ये समझ जाती थी कि सामने वाली फौज हमारी फौज से ज्यादा ताकतवर है। इस युद्ध के अंदर मेरे पिता, मेरे भैया, मेरे पति जीत के वापस नहीं आएंगे। तो रानी है अपनी शान, अपनी मान, अपनी मर्यादा को कायम रखने के लिए जोर किया करती थी। तो पहला जोर किया रानी पद्मिनी ने 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। जोर के लिए क्या किया गया, वहां पर जो गार्डन देखते हैं वहां पर एक 60 फीट घेरा खड्डा था, जैसा कहीं पानी का टैंक देखा होगा आप लोगों ने, ऐसा यह विशाल आग का कुंड बनाया गया। आग लगाई गई तेल, घी, दूध और चंदन की लकड़ी। चंदन समझते हैं आप लोग? चंदन दो होते हैं, एक होता है व्हाइट, एक होता है पीला। व्हाइट चंदन का क्या काम होता है, पीले चंदन का काम क्या होता है? पीले चंदन का काम ये होता है कि हिंदू समाज के अंदर इसको शुभ माना जाता है, तो भगवान के माथे पे तिलक लगाया जाता है और अपने माथे पे तिलक करते हैं। व्हाइट चंदन का काम क्या होता है कि मरने के बाद हिंदू समाज की ये परंपरा, जब आदमी मर जाता है तो उसकी चिता में वो लकड़ी सफेद चंदन की दी जाती है। तो यहाँ विशाल आग का कुंड बनाया गया जिसमें सफेद चंदन की लकड़ी को यूज किया गया। पहला जोर किया रानी पद्मिनी ने 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। 16,000 रानियों के साथ आग के अंदर अपनी जान देती है कूद के। दूसरा जोर करती है चित्तौड़ की राजमाता रानी कर्णावती। एक हिंदू रानी एक मुस्लिम राजा को राखी पहुंचाती है। मुस्लिम राजा कौन था याद है आप लोगों को? हुमायूं। एक हिंदू रानी एक मुस्लिम राजा को राखी पहुंचाती है। मुस्लिम राजा हुमायूं को राखी पहुंचाती है कि हमारी रक्षा करे, गुजरात के राजा बहादुर शाह ने इस किले पे अटैक कर दिया है, हमारे के रक्षा करने के लिए आया। तो हुमायूं को जब राखी पहुंचाती है तो राखी का मतलब हुमायूं आसपास अपने दोस्त अपने मित्रों से पूछता है कि चित्तौड़ की राजमाता रानी कर्णावती ने मुझे ये रंगीन धागा ये राखी पहुंचाई, इसका क्या मतलब है? कि इसका ये मतलब है कि आपको अपना भाई बनाया गया। भाई का क्या फर्ज होता है? कि बहन जब मुसीबत में हो तो उसकी। तो हुमायूं पता लगाता है, पता लगाइए चित्तौड़ की राजमाता महाराणा प्रताप की दादी, महाराणा प्रताप उदय सिंह जी की माँ किस मुसीबत में रानी कर्णावती। तो पता लगाते गुजरात के राजा बहादुर शाह इस किले पर अटैक करते। तो हुमायूं 3 दिन लेट होने के कारण रानी कर्णावती अपनी शान, अपनी मान, अपनी मर्यादा को कायम रखते हुए 13,000 से 14,000 रानियों को साथ लेके इसी जगह जोर करती है। तीसरा जोर होता है अकबर के टाइम पे। इस किले की भागदौड़ संभालते जैमल फत्ता, उनकी वाइफ होती है फूल कंवर। 3,000 से 4,000 रानियों को साथ में रख के वो भी जोर करती है। गवर्नमेंट ने क्या किया, उस 60 फीट घेरे खड्डे को बंद कर दिया, बंद करके मिट्टी डाल दी। किस लिए? कि बरसात का पानी कोई जानवर कोई बच्चा उसके अंदर गिर जाए उसको पैक करके आप लोगों के पहचान के लिए, आप लोगों के निशानी के लिए एक वहां पर हवन कुंड तैयार किया है कि आप लोग इससे पहचान लो रानी पद्मिनी का जोर स्थल है। उस जगह के बारे में मेरे को और गवर्नमेंट को किस तरीके से मालूम पड़ा, जब ये पूरा फोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इस फोर्ट में खुदाई की, खजाने के लालच से जगह जगह खुदाई की। वहां पर 60 से 70 से 75 फीट नीचे जब घेरा खड्डा किया तो गवर्नमेंट को क्या प्राप्त हुआ, जिस्म की हड्डी है। इसी बात को मान्यता रखते हुए उसी बोर्ड उसी जगह के ऊपर एक ब्लैक बोर्ड पे नाम रखा जौहर कुंड। आज भी होली के 11 दिन बाद, सुनने की क्षमता है ना सब, थोड़ा चलेगा लंबा हो जाएगा। तो आज भी होली के 11 दिन बाद हमारे चित्तौड़ के राजपूत राजा अभी जिंदा है, उनका वंशज। उदयपुर गए आप लोग के जाने वाले? सिटी पैलेस गए होंगे आप लोग। वहां पर रहते अरविंद सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, उन्हीं का परिवार होली के 11 दिन बाद एक मेला भरा होता है जिस मेले का नाम होता है जौहर मेला। राजपूत चित्तौड़ के अंदर एंट्री होती है, 40 से 50 राजपूतों की एंट्री होती है। वहां पर रानी पद्मिनी की याद के अंदर ओम शांति वगैरह करते हैं उसकी मन को, आत्मा की शांति के लिए। उसी के सामने एक स्कूल है नीचे, वहां पर घोड़ेबाजी तलवारबाजी करते हैं। विजय स्तंभ जौहर कुंड, इसी के सामने मंदिर देखेंगे, एक पत्थर पे 3 मूर्ति है बर्मा विष्णु महेश का, इसे थ्री मूर्ति मंदिर बोलते हैं। इस मंदिर का निर्माण किया था राणा भोज ने। कौन सा राणा भोज, थोड़ा आप लोगों के ध्यान में डालता हूँ, कौन सा राणा भोज? एक मीराबाई के पति थे राणा भोज, ये वो राणा भोज ने नहीं किया था, ये वो राणा भोज थे। कई बार पिक्चरों में, कई बार कविताओं में, कई बार किताबों में नाम सुना होगा, कहाँ राणा भोज,
ये वो राणा भोज थे जिन्होंने उज्जैन का कालेश्वर मंदिर का निर्माण किया था, ये वो राणा भोज थे जिन्होंने भोपाल के सबसे बड़े तालाब का निर्माण किया था, वही राणा भोज ने इस मंदिर का निर्माण किया। मगर मंदिर युद्ध के अंदर खंडित होने के कारण राणा कुंभा के जो फादर थे राणा मोक्कल, उन्होंने नया निर्माण दिया, मोक्कल मंदिर के नाम से फेमस किया। मंदिर की खास खूबी क्या है, मंदिर को देखेंगे तो किसी की नजर ना लगे तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए उस मंदिर के मेन विंडो पे काला स्टोन लगाया। माँ लगाती है ना अपने बच्चे को काला टीका, बच्चा काला हो या गोरा मेरे बच्चे को नजर ना लगे, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंदिर के मेन विंडो पे काला स्टोन लगाया गया। इसी के सामने हम लोग नीचे उतरेंगे, यहाँ से 70 से 75 सीढ़ी डिप में उतरेंगे, वहां पर हमें देखने को मिलेगा गौमुखी टैंक। एक पत्थर की गाय बनी है, गाय के मुंह में से पानी गिरता है 24 घंटे 12 महीने 365 दिन। गॉड गिफ्ट देखिए कितना तगड़ा है भगवान का, जितनी सर्दी पड़ती है उतना पानी गर्म आता है और जितनी गर्मी पड़ती है उतना पानी आता कहां से आज तक किसी को नहीं मालूम। जैसा मैं खुद बताता हूँ इस पूरे फोर्ट के अंदर 84 पानी के टैंक है, सारा पानी इधर आके गिरता होगा मगर साइंस इस बात को नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है, हम चित्तौर शहर से 580 फीट ऊपर है, ऊपर पानी रुकता नहीं है नीचे उतर जाता है, ये पानी 24 घंटे बहता है, 12 महीने बहता है, 365 दिन बहता है, गाय के मुंह से बहता है, इस बार उसका नाम रखा गया गौमुखी कुंड। मगर पुराने टाइम के लोग बाग राज परिवार के जमाने के लोग बाग उसे सास बहू का तालाब बताते हैं, जिस सास बहू की आपस में नहीं बनती हो, लड़ी होता हो, झगड़ा होता हो, उस सास बहू को सुबह 4 से 5 बजे के बीच में लाके यहाँ पर स्नान कराया जाए और जहां पर पानी गिरता है जहां पर पानी गिरता है वहां पर बैठ के सास बहू को दोनों को एक साथ करके पूजा पाठ कराया जाए तो सास बहू का कभी आपस में लड़ी और झगड़ा नहीं होता। इस तरीके से मान्यता बताते कि रानी पद्मिनी अपने महल से खुफिया रास्ते से निकल के यहाँ पर आके स्नान किया करती थी और खुफिया रास्ते से अपने महल में जाया करती थी। वहां पर एक रूम भी दिखेगा मिलेगा आपको कपड़ा चेंज करने का, रानी पद्मिनी उस जमाने में क्या करती थी, वहां पर एक खुफिया रास्ता है जो रानी पद्मिनी के महल तक जाता था, मगर गवर्नमेंट ने उसको लॉक किया है। वहीं पर आपको एक रानी पद्मिनी की काल्पनिक मन से बनी हुई तस्वीर भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि उस जमाने में कैमरा वगैरह नहीं था तो किसी ने अपने याद से अपने मन से बनाई हुई एक तस्वीर आपको काल्पनिक तस्वीर भी आपको वहां देखने को मिलेगी। हम लोग नीचे जाएंगे, पहले गौमुखी कुंड शिव मंदिर आप लोग जाएंगे तो अंदर दर्शन करेंगे, नहीं तो बाहर से जोर स्थल बाहर से विजय स्तंभ यहाँ से खड़े होकर फोटो वगैरह करेंगे, उसके बाद रिक्शा में बैठेंगे नेक्स्ट पॉइंट के लिए रानी पद्मिनी का महल। मगर आपसे फिर हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है, पानी के पास आप लोग जा रहे हैं ना वहां पर स्टेप थोड़े छोटे हैं, चिकनी जगह है, पानी से थोड़ा दूर रहेंगे हम लोग आराम से इधर से दिखा दो नीचे जवान जरूर नहीं ऊपर से जो इधर से मंदिर से देख सकते हैं ऊपर से दर्शन कर अंदर जाके देखेंगे रानी पद्मिनी का। यहीं पर शीशे के अंदर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को दिखाने का कारण क्या था, वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। ये मेन महल है यहाँ का, उस जमाने के अंदर पंखा वगैरह नहीं था, लाइट वगैरह नहीं था, इस बार जल महल बनाया गया कि रानी को गर्मी का एहसास था, इस बार पानी का महल पानी के अंदर बनाया गया, पानी का नाव जो था अंदर आने जाने के लिए पर गवर्नमेंट ने उसको रोक कर दिया। अंदर पहले महल देख के आएंगे, दासियों का रानियों के लोक रानियों का महल था, इसके अंदर घूमने के लिए था गर्मी के 4 महीने के लिए। आइए आप